राजस्थान पोल्ट्री फार्म द्वारा दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। अंडे की रेट को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। राजस्थान पोल्ट्री फार्म के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। ये लोग फीड की रेट को कम करवाने और अंडे की रेट को ज्यादा करवाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि फीड की रेट ज्यादा होने की वजह से हमारी जेब से पैसा लग रहा है और उस हिसाब से हमें अंडे बिकने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मांग कर रहे हैं कि इस मामले का जल्दी निस्तारण किया जाए ताकि हमारे को भी व्यापार में घाटा ना हो। मैं महबूब अली शेख गेगल से, पोल्ट्री फार्म मेरा, और हमारी पोल्ट्री को पूरा बर्बाद करने में एनसीसी का हाथ है साहब। जो एनसीसी के कुछ इंडिया के अंदर दलाल बने बैठे हैं, नागपाल है, जयपाल है, ये दर्शन लाल है, ऐसे दलालों ने हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को पूरे हिंदुस्तान में बर्बाद कर दिया है। अंडे का जो लागत है हमें वो मिल ही नहीं पा रहा है, स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों की परीक्षा में नहीं बैठा रहे हैं, और फार्मों की लीलामी आ चुकी है। हमारे गेगल थाने के अंदर भी कार्रवाई के लिए पड़े पेपर, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना सरकार कर रही है, और ना ये दलाल मान रहे हैं, और ये दलाल इतनी बड़ी लूटों से मचा रहे हैं, अपने मतलब पेट भर रहे हैं, इतना भर रहे हैं और हमको बर्बाद करके छोड़ दिया फार्मरों को। 1% भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना राज्य सरकार सुन रही है हमारी, ना केंद्र सरकार सुन रही है, सब जगह न्यूनतम मूल्य समर्थन। हम ये चाह रहे हैं जैसे दूध का जो रेट सरकार खोलती है अपने अंडर में लेके, वैसे ही रेट अंडे की रेट सरकार खोले, और हमारा जो लागत मूल्य है उससे हमारा कमीशन, जो हमारा जो ऊपर जो व्यापार के अंदर जैसे मुनाफा मिलता है सबको, वैसा मुनाफा जोड़ के और फिर हमें राहत दे, और इन दलालों को सबको हटाया जाए। राजकुमार जयपाल को साहब 1 रुपया पर मुर्गी पे, ना राजकुमार जयपाल, हम जब चूजे लेते हैं तो 1 रुपया पर मुर्गी पे इन चोरों को दिया जाता है, और ये चोर बुरी तरह से बेताशा होकर लूटते हैं। कम से कम 300-400 करोड़ का घोटाला है, अगर जांच की जाए, सरकार इसकी जांच कराए तो बड़ा घोटाला है, और इस बड़ा घोटाले पे सरकार का या किसी प्रशासन का कोई नज़र नहीं है, और इसकी जाँच कमेटी बिठाई जाए, और अंडे के जितने भी चोर हैं सबको पकड़ा जाए जो चोरी कर रहे हैं, और पोल्ट्री किसान को बर्बाद कर दिया है। हमारे लोन वगैरह कुछ नहीं भर रहे हैं, हम डिफॉल्ट है, फांसी ही खाने के कंगार पे आ चुके हैं हम, और एक ना एक दिन देख लेना सरकार को मालूम चलेगा, आज अवगत करा रहे हैं कि फांसी खा के मरेंगे और फिर सरकार चेतेगी तो कोई मतलब नहीं है। महबूब अली शेख गेगल। ये कल से हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू है और हम अनिश्चितकालीन यहाँ बैठे हैं। जब तक ये अंडे के माफिया अपना कारोबार नहीं छोड़ेंगे, हमारा हक हमको नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। किस तरह की मांगे आपकी? हमारे अंडे की रेट को लेकर के मांगे हैं, फीड की रेट की कम करनी है, अंडे की जो रेट की माफिया लोग आ गए हैं अंडे के व्यापार के अंदर, ये होल्ड कर लेते हैं, ये इसको अंडे को कम रेट के अंदर अपने पास जमा करके फिर ज़्यादा रेट के अंदर बेच रहे हैं। तो हमें सरकार से ये मदद चाहिए कि सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाए, इनको ये बोलें कि भाई आप लोग रेट को सही खोलो ताकि फार्मर को भी रेट अच्छी मिले और जनता को भी सही रेट के ऊपर अंडा मुहैया हो। सरकार इनका समर्थन मूल्य तय किया तो हमारे हैं अंडा के जो माफिया ये एनईसीसी है, डॉक्टर राजकुमार जयपाल है और यहाँ के डीलर हैं, जो ब्रोकर है अंडे के, संजय चावला, इंदर वेदी और वासु एग सेंटर, ये बड़े बड़े डीलर है, ये माफिया बन गए अंडे के। ये लोग यहाँ के फार्मर का शोषण कर रहे हैं, इनका खून चूस रहे हैं फार्मर का, बिल्कुल ये विजेंद्र रावत।